ये लो कीमा पाव, तुम्हें बहुत पसंद है ना? खुदा का शुक्र है रहीम चुपचाप चला गया, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अब क्या किया जाए? लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। हालात की सितम जरीफी देखिए, लोग तुम्हें मेरी बीवी समझते हैं ना। मैं तुम्हें जाने के लिए कह सकता हूं ना रुकने के लिए। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझती हूं, तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जाओ ऑफिस। सुनो पान, अरे जरा मुस्कुरा के तो जाओ। आदाब भाई अम्मा। अरे सईदा कब आई तू? कल आई। सब ठीक है? मजे में? दुआ है जी तेरा। अस्सलाम। सलाम। अरे बच्चा क्या कर रहे है? आओ ना जरा। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या लाई आप? इसे प्लेट कहते हैं और इसे चने का हलवा और इसे खाया जाता है। इसमें हंसी की क्या बात है? बहुत अच्छा, तुमने बनाया क्या? नहीं अम्मा ने, तो बनेगा दाऊद के लिए भेज दो। बाजार का खाते खाते बेचारे के मुंह का मजा बिगड़ गया होगा, तो अम्मा बोली अपने सामने गिला के आना। दफ्तर जाने की घंटी बज गई। यानी कि मैं जाऊं? बिल्कुल, कपड़े बदल ले। अच्छा हलवे के लिए अब्बू से शुक्रिया कह देना। ये घड़ी हुई तो मेरी जान की दुश्मन हो गई है। अब जाओ तो सही तुम, जाओ। जाती हूँ। आदाब भाई। अरे भांका रुक गई, जल्दी से मेरा कुर्ता लो भाई, मैं दफ्तर पहले से देर हो रही है। तुम आठ भी आजकल इतने जल्दी बज जाते हैं। क्या ये? आराम से आराम से। वक्त कुर्ते का सीधा रास्ता कभी दिखाई नहीं देता मुझे। अरे कपड़ों से कुश्ती क्या लड़ रहे हैं तू? पहले से बहुत देर हो गई है भाई अम्मा, अगर आठ तेरह की बस मिस हो गई ना तो लाला फकीर चंद इतनी डांट खिलाएंगे कि तीन दिन मुझे भूख नहीं लगेगी। हाँ आज तो तू खाता ही क्या है, तो भूख ना लगी तो शहर में नाच का भाव गिर जाएगा। अच्छा भाई अम्मा चलो मैं। अरे कुछ खा के तो जा। मेरी बस छूट जाएगी। देख दाऊद, अगर अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता तो मेरे छह महीने का किराया निकाल और खोली खाली कर। देख भाई अम्मा, जितना जी चाहे मुझे तू डांट ले, लेकिन मुझे अपने से दूर मत भेजना। तुम्हारे समय इस दुनिया में मेरा ही कौन? तो फिर खा। अच्छा रास्ते में खा लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। आप क्या है भाई मां, मुझे दे। ले ले ये ले पांच रुपए, दोपहर का खाना भी खा लीजो। ले अरे लाइन से क्यों नहीं आते भाई साहब, सबको जगह मिलेगी, बस धक्कम धक्की में आप लोग। ए भाई आओ साहब। अरे 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 कोई छोड़िया, ओए किसका आए? ये बंद दरवाजा, कायनात मिर्जा, सिल्वर बीच, 55 जुहू, बंबई। फरमाइए जी। मैं कायनात मिर्जा साहिबा से मिलना चाहता हूँ। मैं ही कायनात हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं था। लेकिन मैंने तो आपको अब तक नहीं पहचाना। जी मेरा नाम दाऊद है, दाऊद अली खान यूसुफ जई। कमाल है, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना लंबा चौड़ा नाम बना लिया। शुक्रिया। उफ़ो, मैं भी कैसी पागल हूँ, नॉवल का मुसवदा बस में ही छोड़ाई। नमस्ते लाला जी। नमस्ते। आधा वर्ष लाला जी। आधा वर्ष। कृष्ण सोपति का नया एडिशन आया है। नमस्ते लाला जी। जीते रहो फातिमा, जीते रहो। तब नहीं आया क्या जी? आधा वर्ष से जी, देरी की माफी चाहता हूँ। माफी बाद में मांगना, पहले मुझे इस महीने में जो किताबें छपी उनकी लिस्ट चाहिए।
अभी लाया जी। आदाब चाचा जान। आदाब। सुलेमान साहब आए तो मेरे पास भेज देना। जी बहुत अच्छा। ऑफिस में एक मिनट, वो लिस्ट लिस्ट कहाँ है? लिस्ट। ये भी कपिल ले लिया, ये भी कपिल ले लिया। दाऊद, यहाँ, आजा, आजा। गरम गरम कचौरियां बनाइए। आ बैठ। मैंने अपनी माँ तो देखी नहीं, लेकिन वो होती भी तो वो तुमसे ज्यादा प्यार तो नहीं कर सकती थी भाई। अम्मा बड़बड़ ना कर, ले कचौरी खा। दाऊद अब तू शादी कर डाल। शादी? हाँ। अरे भाई अम्मा, 700 रुपए में अपना गुजारा तो होता नहीं, बीवी का रखूंगा। आग लगे मुझे ऐसी नौकरी को, तो फिर और क्या करो? मेरी माँ ने तो नादिरा से निकाह कर ली। नादिरा से? हाँ, उम्र तीन आज कह भी रहे थे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बेटी और जूते की दुकान दामाद को देकर हज को चले जाए। मैंने एमए जूते बेचने के लिए किया था। नहीं नहीं, तूने तो एमए जूते खाने के लिए किया था। जूते बेचने से तो तेरी डिग्री का कागज घिस जाता है ना, तो फिर खाता रहे जमाने के जूते। माँ तू मेरी किस किस बात की फिक्र करेगी, खाने की, पीने की, रहने की और शादी की भी। हाँ ये शादी के बाद तू मुझ पे छोड़ ले, एक दिन ऐसी बहू लाऊंगा तेरे लिए कि तू बस देखती रह जाएगी। हाँ सच? सलीम भाई इसका बिल बना दीजिए। जी अच्छा। अरे आप आदाब। आदाब कैसे जहमत की? आपने कहा था ना कि आपके यहाँ किताबें छापी भी जाती हैं। हाँ? तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी जान पहचान का फायदा उठाया जाए। जी मैं किस काबिल हूँ, मैं तो यहाँ कम से कम इस काबिल तो जरूर होंगे कि मेरी सिफारिश कर सके और शायद मेरी नॉवल यहाँ से छप जाए। आ जाइए। आइए सर। सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे भाई दाऊद। जी सर। तुम भी बैठो ना। शुक्रिया सर। सर सर कायनात मिर्जा साहिबा बहुत कमाल का लिखती हैं। दाऊद साहब गालिबन मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ कर रहे हैं जनाब। आप जो भी लिखती होंगी अच्छा ही लिखती होंगी, इतना शगुफ्ता और शादाब मजा, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर अब तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। शुक्रिया। वैसे आप लिखती क्या हैं? पता नहीं, मगर कहीं पढ़ा था कि हर एक आदमी की जिंदगी में एक नॉवल जरूर होता है, तो लिख डाला। अब ये नहीं मालूम जो लिखा है वो नॉवल है भी या नहीं। सर मैंने इधर उधर से उलट पलट के देखा है, ना सिर्फ इन्होंने जो लिखा है वो नॉवल होगा बल्कि मेरे ख्याल से अच्छा खासा नॉवल होगा। अच्छा नॉवल है तो हमने अब तक छापा क्यों नहीं? सर इसलिए तो इन्हें आपके पास लाया हूँ। देखिए मिस मिर्जा, कायनात कहिए ना। वो क्या है कि हमारे उसूलों के मुताबिक। सर मैं इजाजत चाहूंगा वो दुकान में सलीम साहब। अब सुनिए। जी सर। जरा चाय के लिए कह दीजिएगा। अरे दाऊद। जी लाला जी, इसे पैक करा के बाहर रख दो। जी अच्छा। जी ये तनख्वाह नहीं लोगे? ले लेंगे लाला जी। तनख्वाह नहीं लेंगे तो खाएंगे कहां से, और फिर अपनी कड़की तो महीने के शुरू से चालू हो जाती है। ये साहबजादी कौन थी? एक नई राइटर है। नई भी और हसीन भी है। अरे सुनिए क्या हुआ, क्या हुआ? मुसविदा रख लिया है, कह रहे थे पढ़कर खबर करेंगे। अरे ये तो खूब खबर सुनाई। मान लीजिए आधा मैदान मार दिया अभी आप। मिठाई मिठाई खिलाने का इरादा है कि नहीं? मिठाई क्या, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए। हाँ। अम्मी के हाथ का बना लखनवी खाना खिलाऊंगी आपको। मुंह में पानी आ गया। चलो आएंगे। अच्छा इस वक्त के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दाऊद। अरे भाई दाऊद मियां। सर हम जरा महेंद्र सिंह बेदी साहब से मिलने जा रहे हैं जी। दफ्तर वापस नहीं आए, वैसे भी दो चार दिनों के लिए मसरूफ जी। आप ऐसा करिएगा, ये कायनात मिर्जा साहिब आई थी ना जी, इनका ये मसविदा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में अपनी राय दे दीजिएगा, यही दो चार लाइनों में, बाकी हम देख लेंगे। नाइस गर्ल। सुनिए कायनात जी, सुनिए। क्या हुआ? वो हुआ कि जब आप चली गई तो सुलेमान साहब ने आपका मसौदा मुझे पढ़ने के लिए दे दिया, ये बात बताने के लिए भाग गया। शुक्रिया, ये तो खुशखबरी हुई।
खुशखबरी तो हम पढ़ के बताएंगे। वैसे आपके नॉवल का सब्जेक्ट यानी मजमून क्या है? तवायफ। मैं पूछ सकता हूँ आपने ये मौजू लिया क्यों? इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई तो नहीं, लेकिन आमतौर पर लिखने वाले जिंदगी के उस पहलू पर कलम उठाते हैं जो उनका देखा या समझा हो। मैं नहीं समझता कि आप तवायफों के बारे में इतना जानती हैं कि उन पर कलम उठा सके। ऐसा है दाऊद साहब कि बात सुनने में शायद बुरी लगे, मगर है बिल्कुल सच कि दुनिया में हर औरत एक बिकाऊ माल है। वो चाहे तो घर में बिके, चाहे बाजार में। कभी वो पैसे के लिए बिकती है, कभी घर गृहस्थी के लिए। कहीं वो खुद बिकती है अपनी मर्जी से, कहीं वो बेच डाली जाती है। वैसे देखा जाए दाऊद साहब तो हर औरत एक किस्म की तवायफ जरूर है। मैं नहीं कह सकता कि आपकी दलील दुरुस्त है, लेकिन इसमें वजन जरूर है। नॉवल कैसा है यह तो मैं पढ़कर ही बताऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि दिलचस्प जरूर होगा। शुक्रिया। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला, देखिए मेरा घर आ गया। इसका मतलब खुदा हाफिज? हरगिज नहीं। जब तक आप अंदर चल के एक कप चाय नहीं पियेंगे तब तक ना खुदा आपकी हिफाजत करेगा न मेरी। बाबा तो बाबा, खुदा को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। आइए। अम्मी, अम्मी, ये दाऊद साहब हैं। आदाब। जीते रहो बेटा, आओ बैठो, आइए। अम्मी, दाऊद साहब मेरा नॉवल छपवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। अल्लाह जीता रखे मियाँ, इसकी किताब छप जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए तो दलिद्र दूर हो जाए हमारे। ये जो तुम देख रहे हो ये सब दिखावा है बेटा। कायनात के अब्बा मरहूम ने बनाया तो बहुत था, लेकिन अचानक गुजर गए। अब ये एक घर बचा है, वो भी किराए का। छोड़िए ना अम्मी, आप भी क्या दुखड़ा लेके बैठ गई? दाऊद साहब से चाय का वादा किया था मैंने, अभी लाती हूँ। ऐसी तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। वारिस अली, आप फिर आना, आज हमारे घर में मेहमान है। ई लियो, मेहमान है तो हम क्या करें? अरे हमको किराया दे दो, हम चला जाऊंगा। हम दे देंगे आपका किराया, जहाँ इतने दिन सब्र किया है और थोड़े दिन कर लो। सब्र काहे कर लूं? वारिस अली, अभी तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। नहीं है तो मकान खाली कर दो, और हम कहते हैं कि पैसा नहीं है तो माँ बेटी कहीं जोड़े पट्टी लगा कहीं नहीं रहती। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम, औरतों से बात करने का सलीका नहीं तुम्हें? बाबूजी, हम यहाँ सलीका सीखे नहीं आवे हैं, पैसा वसूल करने आवे हैं। का पैसा? और आपकी छाती फटत है तो आप ही दे दो। कितने पैसे हुए? यही 7 महीने का 350। अरे मकान तो समझो मुफ्त का है, आज खाली हो जाए तो 2 लाख पकड़ी आवे। 2 लाख पकड़ी आवे, चलो तुम्हारे 350 दफा जाओ, ऐसे दफा जाओ। अरे कायनात, तुम्हारे आंसू ना दुनिया का दिल पिघला सकते हैं और ना तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। इसके बावजूद तुम रोना चाहती हो तो जरूर रो, मैं मना नहीं करूंगा। इसी परेशानी में ही तो मैं किताब घर आई थी। फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारा मसविदा पढ़ूंगा। बाहर दूर दूर तक रात थी, काली और सुनसान रात। एक नन्हा सा बल्ब सहमा सहमा सा रात से अपनी रोशनी के लिए भीख मांग रहा था। गलियारे के अगले सिरे पर एक दरवाजा था बंद। इस दरवाजे से छन छन के घुमरों की आवाज आ रही थी, जैसे मुझसे कह रही हो, कायनात मिर्जा, अगर तुम वाकई कहानियां लिखती हो तो हिम्मत करो और इस बंद दरवाजे में झांको और देखो कि यहाँ जिंदगी के साथ कैसी बदसलूकी की जा रही है। कौन? कौन है भाई? आ रहा हूँ, दरवाजा टूट जाएगा, आराम से हाँ। कौन तुम? अरे कौन है भाई इधर? अपुन का नाम रहीम शेख है, कभी सुने लायक नहीं? नहीं। तो आज सुन ले, अपुन है रहीम शेख, मतलब रहीम दादा। और सुन, ये छोकरी आज अखी रात इधर तेरी खोली में रहेगी, क्या समझा? ये लड़की खोली में क्या? जबान हिलाएगा तो कल फजर का सूरज तेरे को नजर नहीं आएगा, सुना? मगर ये एक टाइम बोला ना,
जवान हिलाएगा तो यही खोली में गाड़ के तेरी कब्र बना डालूंगा। क्या? हाँ बात सुन रहे, कल सवेरे मैं आके इसको लेके जाऊंगा, समझ गया? कल सवेरे? क्या मुसीबत है भाई ये? अरे कौन था ये आदमी? ये आदमी नहीं था, रहीम शेख था, जुम्मा भट्टी का दादा, और मैं सुल्ताना हूँ। अरे तुम जो भी हो लेकिन मेरी खोली में कैसे रह सकती हो? ये बात तुमने रहीम शेख से क्यों नहीं कही? शराफत भी कमजोरी का दूसरा नाम है। वो समझ में नहीं आता क्या करूं। क्यों बे भाड़ू? अरे मैं तेरे से ही बात कर रहा हूं, उठ उठ। जी वो बात ये है कि आपको गलतफहमी हो रही है। अरे किधर गलतफहमी हो रही है, साला हवलदार पांडे को उल्लूच नहीं बना सकता कोई। तेरे गले में रुमाल देखते ही हम समझ गया तुम क्या चीज है। हैं? नाम बोल। नाम दाऊद, दाऊद मोहम्मद खान यूसुफ जई। अरे बहुत लंबा नाम है, तो है? दाऊद आगे बोल, किधर रहता है? रहता अमीना भाई की चाल में, वो पीछे। अच्छा पैसा बोल, पैसा? पैसा पैसा तो नहीं ले साहब, वही घर। अरे पैसा नहीं, पैसा पैसा। पैसा नहीं ले साहब। धंधा? धंधा क्या करता है? धंधा? राइटर हूँ साहब, लेखक हूँ। पहले क्यों नहीं बोला? अरे बैठ बैठ बैठ, तुम तो साला अपनी बरादरी का आदमी निकला। अपन भी जोरदार राइटर है, पर अपन को लिखना ही नहीं आता। मगज में भरेला पड़ा है स्टोरी आइडियाज। अरे कल ही अपन के दिमाग में एक ऐसा धांसू आइडिया आया कि अपन सुनते ही फड़क उठा। तुमको सुनाता है। एड इन, द्रौपदी बाई तालाब में नहा रही है। क्यों? पहले समझने का बात है पार्टनर, द्रौपदी बाई तालाब में नहीं नहाएगा तो सेक्स किधर से आएगा? सेक्स? और द्रौपदी बाई को अपन इसी वास्ते हीरोइन लिया कि वो सेंसर का भला लोग द्रौपदी बाई को कट कैसे कर सकता। तो द्रौपदी बाई लक्स साबुन से नहा रही है। लक्स साबुन से? हाँ। क्यों? अरे लक्स से इसलिए कि लक्स वालों को एडवर्टाइज का नाम लेकर अपन उनको 50,000 रुपए से दुह लेंगे, नहीं समझे? अरे इस स्टोरी में तो आइडिया ही आइडिया। हाँ, हाँ। अच्छा तो द्रौपदी माई नहा के बाहर निकले, बाहर आकर उसने फिल्ले मिल की फुल वायल की साड़ी बांधी, इश्तहार नंबर 2, 50,000 1,00,000 हो गया ना। उसके बाद उसने दाऊद का सैंडल पहना। अरे अपना दिल करेगा तो अपन द्रौपदी बाई के मुंह में एक डायलॉग डाल देंगे। वो अपनी सखी को मुस्कुराकर बोलती है, सखी मैं हमेशा दाऊद के जूते पहनती हूँ, ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। फट नहीं सकते? साला ये दाऊद वाला तुम्हारा सगे वाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, सगे वाला होगा तो पैसा नहीं मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, नहीं तो अपन दाऊद का सैंडल निकाल कर बाटा का पहना देंगे। द्रौपदी बाई को क्या फर्क पड़ेगा स्टोरी से? अपने हाथ में स्टोरी। चलिए आगे आगे। द्रौपदी बाई ने सैंडल पहना और एक बांधी चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश लेकर आई। चेरी ब्लॉसम बूट? अरे पार्टनर एडवर्टाइज नंबर 4, बिना कहानी के 2,00,000 पॉकेट में। आजकल सब्जेक्ट से ज्यादा एडवर्टाइज में पैसा है, और अपने सब्जेक्ट में तो एडवर्टाइज ही एडवर्टाइज है, स्टोरी किधर है? अच्छा पार्टनर अभी एक बहुत काम का बात करता है, अपन लोग टीम बना लेता है। टीम जोड़ी? अरे आजकल टीम का ही जमाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, सलीम जावेद, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। साला ये तो 400 भी से हुआ, कभी हमको मिलेगा तो हम उससे पूछेगा कि तुम सिंगल आदमी होके डबल नाम कैसे रख सकता, ये गलत बात है। ठीक है देख लेगा पार्टनर, अपना टीम का नाम होगा दाऊद और पांड्या। दाऊद पांड्या? अरे मिला, नेशनल इंटीग्रेशन, साला सेंसर भी खुश हो जाएगा। अरे आओ। अरे उधर तो बात बने ना। अरे पार्टनर तुम्हारा कलम और मेरा पुलिस का दिमाग, ये टीम पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे छा जाएगी, छा जाएगी। वो तो है। अब तुम रात भर सोचो स्टोरी के बारे में, अपन कल आता अमीना बाई की चाल। अमीना बाई की चाल तुमको जाने का, हमको इधर जाने का।
अच्छा कल आता कल क्या टीम है साला डाउ पांड्या नेशनल इंटीग्रेशन जिंदाबाद डाउ सुनिए देखिए सुबह हो रही है बाप उठ जाइए। सुनिए लाहौल विलाकोवत एक लड़की नहीं जगाई जा रही तुमसे नहीं नहीं कौन है आप मैं कोई नहीं हूँ वो आपको रात को वो क्या बोलते नाम उसका रहीम दादा छोड़ने आया था अब उठिए वो आते ही होगा पर मैं बाथरूम जाता हूँ और आप ये वो या शायद रहीम दादा आ गया नमस्ते भाभी जी अब दाऊद भाई स्टोरी वाला का पार्टनर हवलदार पंड्या अपन लोग एक टीम बनाया आजकल टीम के बिना फिल्म में कामेज नहीं मिलता ना भाभी जी इसलिए रात अपन पार्टनर को बोला था कि अपने मगज में एक आइडिया रिंग रहा होता आपको तो पता नहीं होएगा इधर एक जबरदस्त गुंडा होता जो कल रात पकड़ा गया रहीम दादा पकड़ा गया हाँ और इसी आइडिया पर अपन एक स्टोरी टाच दिया अच्छा अपना ये दाऊद भाई है किधर जी वो नहा रहे हैं हाँ कोई वादा नहीं वो तैयार होने तो अपन बाहर इंतजार करता कोई वादा नहीं रहीम जी आ गए अरे नहीं कोई हवलदार है कहता है रात को रहीम पकड़ा गया क्या अदा भाई माँ जीते रहो मियाँ अच्छा अच्छा शुक्रिया मियाँ आप दाऊद से मिलने आए हैं जी हाँ भाई अपन दाऊद भाई का पार्टनर आप लोग राइटिंग का एक टीम बनाया दाऊद पांड्या अच्छा अच्छा दाऊद को पता है ना क्या आप आए हैं वो भाभी जी को बोल दिया भाभी जी हाँ दाऊद भाई का भाई बीवी क्या अंदर है दाऊद ये शादी की बात तू मुझ पे छोड़ दे एक दिन ऐसी बहू लाऊंगा तेरे लिए कि तू देखती रह जाएगी हाँ कोई देख रखी है देखी तो है रखी नहीं सच कहता था कि देखती रह जाऊंगी दाऊद जी बाई अम्मा के बच्चे तेरी ये मचा तुझे शर्म नहीं आई मैं करता क्या बाई अम्मा मुझसे झूठ बोल रहा था जी भैया मैं देखी तो है पर रखी नहीं मेरे जीते जी ऐसे छुप छुपाते ले आए मेरी बहू को और नहीं तो क्या अरे? ना किसी ने नजर उठाई ना कुरान शरीफ का साया किया ना ढोला क्या बनने मेरी बात समझिए बात ये हुई नहीं, नहीं मैं क्या समझ रही सारी बात तो तू ही समझाने वाला है ना क्योंकि उम्र में तो तुझसे छोटी हूँ देखो तो सही कैसी जान सी दुल्हन लेकर आया है दाऊद अरे जान सी दुल्हन लाया ये खुशखबरी थी
भैया मैया कहाँ लेके जा रही हैं आप? ओहो तो चल तो सही, खुद ही देख लीजो। अब अंदर कहाँ लेके जा रही हो? चुप रहे। अल्लाह तेरे सुहाग की उम्र दराज करे बेटी। आज तूने मेरा वो अरमान पूरा किया है जो कभी पूरा होना ही नहीं था। अरमान तो ये था कि इस कमरे में मेरे वहीद की बहू आती। कितने शौक से मैंने ये कमरा बनवाया, सजाया, पर जब शादी के दिन पास आए तो बिना मुझसे खुदा हाफिज किए बगैर ही मेरा वहीद खुदा को प्यारा हो गया। जब से उसके कमरे में ताला लगा दिया और आज 12 बरस बाद खोला है। इस कमरे की लाज रखियो बेटी। इसकी क्या जरूरत है भाई अम्मा? जरूरत है, इस कमबख्त रहीम के बच्चे को आज ही गिरफ्तार होना था। क्या मुसीबत है ये? तुम दुल्हन बनना बड़ा टेढ़ा काम है, मेरी तो गर्दन दुख के झुकाए झुकाए। जी आप अपनी गर्दन खूटी पे टांग कर उस पलंग पर सो जाइए। सोना तो दूर, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी इस पलंग को। क्यों? जल जाऊंगी। जल जाओगी? दाऊद साहब, ये पलंग सुहाग रात के लिए है, दुल्हन के लिए है। मैं एक दुल्हन नहीं हूं, एक तवायफ हूं। अब आप पूछेंगे, और आप क्या, मैं खुद अपने आप से पूछ रही हूं कि मैं अपने कोठे से उतरकर इस कमरे में कैसे आ गई। पता नहीं कमरा मेरी कहानी का अंजाम है या बीच, मगर ये जरूर पता है कि इस कहानी का आगाज क्या है। ये कोई 2-4 बरस की बात नहीं, परसों नरसों की बात है। चांद मेरे कोठे की खिड़की से अंदर झांक रहा था और मैं 1000 घुंघरू बांधे हुए नाच रही थी। जो
आप फरमाइए रहीम साहब। अरे फरमाना कहेगा बिल्किस भाई, अपनी तो हुलिया बैरंग हो गई। क्या छोकरी तैयार की है तुमने? मामले की बात कीजिए। मामला कहेगा 2000 तुमको पहला दिया था, 2000 ये पकड़ो, बाकी का 6000 बाद में। आय हाय सरकार, खाक डाले इन 2000 रुपयों पर। इस 10 बरस में भिंडी 12 आने से 7.5 रुपए किलो हो गई है और मेरे चांद जैसे सुल्ताने के दाम वही के वही, 10000 में तो उसके नाखून ना उतरे। नाथ की तो बात दूर रही। ये तुम धांधली कर रहे हो बिल्किस भाई, जुल्म कर रही हो। आप कहे तो वो 2000 भी वापस कर दूं। सुल्ताना आप 50000 के हो गई है। अरे 50 नहीं तू 1,00,000 ले लेना, मगर ये 2000 तो पकड़। अरे पकड़ ना, एक मरतबा छोकरी को बम्बई पहुँचने दे, फिर देखे छोकरी नोट छापने की मशीन बन जाएगी। मैं रहीम के हाथों बिक गई और वो मेरे जिस्म का व्यापार करने के लिए मुझे बम्बई ले आया। शेख साहब पुलिस। मगर इससे पहले कि नीलाम की बोली लगती, पुलिस की धार पड़ गई। एकदम भगदड़ मच गई। रहीम मुझे पीछे की सीढ़ियों से लेकर भागा और मैं अपनी कहानी से निकलकर आपकी कहानी में आ गई। अब तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक तवायफ इस कमरे में कैसे आ गए जिसमें अमीना बाई की ममता जाय नमाज की तरह बिछी हुई है। मगर अब इस सवाल का जवाब दो कि मैं एक तवायफ के साथ इस कमरे में कैसे बंद हो गया। इत्तेफाक, बदनसीबी, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन मुझे तो इस इत्तेफाक और बदनसीबी का सामना तुम्हारे जाने के बाद भी करना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं लोगों से? कह दीजिएगा कि एकदम तार आ गया, मुझे मायके जाना पड़ा। फिर ये कह दीजिएगा कि शादी की खुशी न झेल पाई, मर गई। आप तैयार हैं? जी हाँ। इससे पहले के मोहल्ले वाले जाग जाएं, हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी की पूछताछ तो कर लें। ये रख लीजिए। ये क्या? कल मुंह दिखाई में मिले थे। तो आपको मिले थे, आप रखिए, मुझे क्यों दे रही हैं? हमारी किस्मत में मुंह दिखाई के रुपए कहाँ होते हैं सरकार? ये तो आपकी दुल्हन बेगम को मिले हैं, रख लीजिए। जब आपकी दुल्हन बेगम आए तो उन्हें हमारी तरफ से दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ये आप ही रख लें, सफर में काम आएंगे। शुक्रिया। सुनिए जी, इधर से नहीं, हम पीछे से जाएंगे, हमें कोई देख ले तो। वैसे आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया। किस बात की मेहरबानी? पहली बार ये जाना कि इस दुनिया में इंसान भी बसते हैं, वरना तवायफ तो एक रात का खिलौना होती है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद सेठ। फजर फजर खिसक रहे थे क्या? कौन हो तुम लोग भाई? हमको रहीम शेख ने भेजा है। हाँ, ले जाओ, बेशक बेशक। रहीम दादा का कहना है कि छोकरी इधर ही रहेगी। इधर ही रहेगी? हाँ। अबे इधर क्यों रहेगी? तो साले तेरा मगध फिर लाए क्या? अखा बंबई में कोई भी रहीम शेख की बात तक क्यों नहीं बोलता, समझा? वो बात ठीक है। जो कह दिया सो कह दिया। जब तक रहीम शेख जेल से नहीं निकलता, सुल्ताना इधर ही रहेगी। ये रहा अपना पेटी और ये तेरी चाबी। सलाम अलैकुम।
अरे दाऊद को सुना तुमने? दाऊद भाई तो बहुत गहरी सोच में है लाला जी, आप हमें ही सुना दीजिए। बीबियो ये जरा मर्दाना बात है। फिर भी सुनो, बांद्रा ईस्ट में पुलिस ने एक बाबू कांति दास के घर छापा मार के उनकी 4 बीवियां बरामद की। छोड़िए लाला जी, किसी हिंदू के घर में 4 बीवियां बरामद हो सकती हैं? वही तो बात है, यही तो पुलिस ने भी पूछा तो कहने लगे कि मेरा असली नाम अब्दुल रशीद फारूक की है। अच्छा। कांति दास तो फिल्मी नाम है। बाद में पता चला कि उनकी असली बीवियां ही नहीं थी तो तवाइफे थी। ये शख्स घर के नाम पे चकला चलाता था। छी, घर में तवाइफे राम। क्या बात है मियाँ, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारा ही भांडा फूट गया हो। क्या बात है दाऊद भाई, बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? लतीफ, दाऊद साहब कहाँ हैं? वो देखिए, वो आ रहे हैं। अरे भाई दाऊद, दाऊद सर, कायनात मिर्जा का मसविदा पढ़ लिया? सर तो थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा बाकी है। आगाज कैसा है? उठान तो कयामत की है। फिर तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। होना तो चाहिए सर। जरा जल्दी पढ़ लीजिएगा। जी सर। वैसे नॉवल का मौजू क्या है? तवायफ। भाभी, भाभी जान दरवाजा खोलो। कब से चिल्ला रही थी? क्या कर रही थी हमारी भाभी? असर की नमाज पढ़ रही थी। आए हाय। अरे लड़कियों सीखो तुम कुछ, तुम ही नमाज पढ़ा करो। आदाब। जीती रहो। क्या 5 वक्त पढ़ती हो? बस पढ़ी लेती हूँ। हाय अल्लाह, देखा? अरे भाई क्या हो रहा है? तस्लीम। जीती रहो बेटी जीती। खबर है हमारी दुल्हन 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काश हमारी बेटी नादरा भी तुम्हारी जैसी होती। नादरा तो माशाल्लाह हर तरह से प्यारी है। चलो भाभी खाना खाने चलो ना। वो नहीं आएंगे खाने के लिए, वो दुकान पे ही खा लेगा। जा। चलो चलो लड़की चलो, खाना ठंडा हो रहा है। अरे आपा देखा, आज के जमाने में ऐसी नेक दुल्हन। दाऊद तो बहुत ही खुशकिस्मत है। कायनात को बता दूं सुल्ताना के बारे में, शायद वही कोई हल बता दे। नहीं 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 नहीं, बात बिगड़ भी सकती है, हो सकता है कायनात उलट समझे। क्या बात है? आप बहुत चुप चुप है। नहीं ऐसे बस। तो फिर कुछ बातें कीजिए। क्या बातें करूं? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती लीजिए। नहीं दरअसल बात यह है कायनात, जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो बांटी नहीं जा सकती। मसलन? मसलन के मेरी ही जिंदगी को ले लो, इसमें एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में ना मैं तुम्हें बता सकता हूं और ना ही उस हादसे से निकल सकता हूं। फिर क्या? अल्लाह के हवाले। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? हाँ बस यूं ही मुस्कुराती रहा करो। क्या इससे परेशानी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, कुछ देर के लिए भूल तो जाएगी। अरे बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? ये ठंडा भी हो सकता है। चलो चलो बैठो। अरे भाई तुम पढ़े लिखे लोगों की तो यही तकलीफ है, बातें बहुत करते हो। और ये मेरी लड़की बहुत ही बोर है। अम्मी खाओ बेटे खाओ। चलो अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा तो हाफिज है ही। अगर आप अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ये तावीजी कुरान अपने पास रख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लीजिए। दाऊद साहब के सोने का अलार्म बज गया और ये लाल साहब अभी तक आए नहीं। बीवी बनना भी कितना मुश्किल है, मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। अच्छा कर रही हो जो खाना खा रही हूँ। हाँ। वहमा, मैं तो नमक चख रही थी। मेरी मानो तो खाना खा ही डालो। उनके बगैर मैं कैसे खा लूंगी? देखा अभी तक नहीं आया ना लाड साहब का बच्चा, आने दो, ऐसी खबर लूंगी बहू का जरा भी ख्याल नहीं है नवाब साहब को। अमीना बाई की बात मान ही लो सुल्ताना। चलो खाना खा लो।
ओफो, फिर वही मुसीबत। अल्लाह मुझे बचा। आइए दाऊद साहब, आइए आइए, खाना हाजिर है। तुम खा लो, मैं खा के आया हूँ। असली बीवी होती तो तुम्हारे सर पर मारती। ये तो तवायफ ही है जो शराफत दिखा रही है। पर खाना खाया किसके साथ? कोई लड़की वड़की है क्या? अरे देर से आए, कोई लड़की तो जरूर होगी, क्यों है ना? भाग ना, मेरी लुंगी छोड़। अमा यार, हमारे हाथ से शाही टुकड़ा ही खा लीजिए, कमाल है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो तुम कपड़े बदल लो, मैं जरा हो गया तो हम बाहर। जब बीवी कपड़े बदलती हो तो शौहर को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी तो वो खुद ही उसके कपड़े उतार देता है। तो तुम इस तरह मुझसे बात मत करो। यार मुफ्त में शौहर बनने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तुम बहुत ही बदमाश हो, बहुत ही बदमाश हो तुम। सुनो जनाब दाऊद खान यूसुफ़ज़ई साहब, ना तो आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ना ही मैं यहाँ खुद आई। दोनों रहीम के डर से यहाँ पड़े हुए हैं। ये तो किस्मत का कसूर है, तो हम आपस में क्यों उलझे? ये वक्त हंस के भी गुजारा जा सकता है। अरे खुदा करे मुझे परेशान मत कर प्लीज, खुदा करे। अब जा बाथरूम और कपड़े बदल ले। अब जाना होगा अभी। जाती हूँ। अल्लाह कहाँ फंसा दिया मुझे इस मुसीबत के साथ। ये थिएटर का पर्दा क्यों? कोई ड्रामा करोगे क्या? तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं इस कमरे को इस पर्दे से दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। पर्दे के इस तरफ परम पर तुम सोगे और पर्दे के उस तरफ मैं सोऊंगा, समझा? बड़े बेवकूफ हो। क्यों? अरे लोग तवाब के कोठे पर घर बार छोड़कर जाते हैं। और एक तुम हो कि तवाब कोठे से उठकर तुम्हारे घर में आ गई और तुम शराफत का तमगा लिए फिरते हो। देखो जी मेरी बात मानो और चुपचाप जाके उस पर्दे पे सो जाओ आप। हाँ अम्मा यार, मुझे ना अकेले सोने की आदत है ना ही तालीम, मुझे तो नींद ही नहीं आती। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आएगी, तुमने इस घर का चैन जो छीन लिया है। अरे जा, हमने तो इसमें जिंदगी फूंक दी है, वरना तुम्हारी जिंदगी में था ही क्या? अमीना भाई या ज्यादा से ज्यादा नादिरा बोलता है। देखो सुल्ताना, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, उसके ऊपर से सीना जोरी। सीना जोरी तो हमने अभी तक की नहीं जनाब। खुदा बंदे करीम कहां फंस गया, बड़ी शैतान छोकरी, शर्म तक नहीं आती, किसी बात का लिहाज तक नहीं करती, बदमाशी की भी हद होती है भाई। स्टूपिड, मैं क्या करूं, अल्लाह क्या करूं। कौन रहीम? नींद नहीं आ रही है ना? तुम जो यहाँ हो तो नींद कैसे आएगी मुझे? आएगी भी कैसे, जवानी और शराफत में कश्मकश हो रही है। ओ खुदा या खुदा के लिए जा यहाँ से, दबाओ जा यार। अल्लाह क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे हाथ किसी का खून हो जाए तो मुझे कितने साल की सजा होगी। झूठ, इस वक्त तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसके साथ खाना खाया था। लेट के सोचो, शब्बखैर।
दाऊद साहब, ओ दाऊद साहब, चाय हाजिर है। मैं तुम्हारी ख्वाब देख रहा था। अच्छा, उफ, सुबह सुबह। चलिए उठिए ना, चाय पी लीजिए। देखो मुझे यूं हाथ मत लगाया करो। मतलब ये कि हाथ तो लगाया करो मगर यूं नहीं, लोग प्यार से हाथ। बाई अम्मा, ये बाई अम्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता। ठीक 7:30 बजे घड़ी की तो टन से बज जाती है। चलो तो तुम तो दरवाजा खोलो। ये तकिया। तस्लीम बाई अम्मा। सलाम वालेकुम बाई अम्मा। जीते रहो भाई, जीते रहो। आपस में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बाई अम्मा, चाय में चीनी जरा ज्यादा पड़ गई थी, गुस्सा है मुझ पर और उतरा इस बेचारी प्याली पर। आइए, क्या है लड़के, सूरज का हंडा सर पे लेके ढूंढेगा तभी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। बेचारी बंबई पहली बार आई है तो इतना तो हुआ नहीं कि घुमाने फिराने ले जाए तो ऊपर से प्याली तोड़ता है। आज इतवार है, जा घुमा फिरा ला, जा। ये नहीं लेके जाएंगे भाई। कैसे नहीं ले जाएगा? अरे बंबई में देखने को है क्या? चोर बाजार, सट्टा बाजार और इसके अलावा और क्या है? अच्छा तो फिर निकाल 6 महीने का किराया और उधार के 217 रुपए। हाँ अभी निकाल। अच्छा बाबा, ले जाता हूँ ले जाता हूँ, उधार के पैसे मत मांगना। अरे सुनिए, हम लोग यहाँ घूमने आए या कबड्डी खेलने? खुदा करे अलग रहिए, अलग रहिए। क्यों अलग रहूँ? अरे कोई देख लेगा तो? हाँ हाँ हाँ, आज सारा बंबई तुम्हें ही देखने को तो निकला है। अमा जाओ मिया। अरे गए। क्या हुआ? हमारी किताब घर के मरे निगम सेठ, खुदा के लिए अपनी जबान बंद रखना और तेजी से बात करना समझे। निगम साहब जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मिया, कैसे घूम रहे हो? ऐसे ही बस। आपने बताया नहीं है कौन है? बात यह है निगम साहब, हुआ ये कि हम समझ गए आपने हमसे ये बात छुपाई है कि आप एक अदद बीवी के शोहर भी हैं। और मतलब भी समझ गए, आप कंजूस ठहरे, दावत नहीं खिलाना चाहते क्यों? इसलिए नहीं बताया। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? सुल्ताना। जीती रहो बेटी। ये तो कंजूस ठहरा, आप तो दावत खिलाएंगे ना? आप जिस दिन तशरीफ लाएंगे उसी दिन दावत हो जाएगी। क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं। जीती रहो बेटी, दावत तो हमें देनी चाहिए, तुम तो हमारी बहू हो, हम तो मजाक कर रहे थे। अमा दाऊद मियाँ। जी सर, जी सर। मुबारक हो, हमें तुम्हारी बीवी बहुत पसंद आई, खूबसूरत है, तहजीब वाली भी है। मैं तो ये लो, हमारी पलटन भी आ रही है। ये मेरी 4 बेटियां हैं, टीना, मीना, चीना और बीना, और ये इनकी सहेलियां हैं, और ये सहेलियों की सहेलियां हैं। बेटा हम लोग पिकनिक करने आए हैं, तुम भी हमारे साथ आओ। नहीं सर, हम तो नहीं, नहीं, क्या वो हमारी बेगम आ रही। अरे सुनो तो सही बेगम, एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, तुम इधर आओ। अरे जल्दी आओ। क्या है? नमस्ते। दाऊद की शादी हो गई। पादी लो। कितनी बार कहा है कि चने मत खाया करो, लेकिन सुनते कहाँ हो, बादी तो होगी ही। हाँ। मम्मी बादी नहीं, शादी। शादी? हाँ हाँ कर ले शादी, चढ़ जाए घोड़े पे, बच्चे पीछे से तालियां बजाएंगे। हाँ बेटी अपनी माँ से कह दे कि दूल्हा घोड़े पर नहीं घोड़ी पर चढ़ता है। डैडी अपनी शादी की बात नहीं कर रहा। चिल्ला क्यों रही हो, क्या मैं बहरी हूँ? किसने कहा, किसने कहा? अरे दाऊद, ये तुम्हारे साथ कौन है? यही तो कह रहा हूँ कि इनकी बेगम है, जाओ आशीर्वाद दो। तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मुझसे गलती हो गई। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। अल्लाह क्यों दे, भगवान क्यों नहीं? बेटे बात ये दाऊद कि जब शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बेटा दे दे, और चारों बाहर बेटियां हुई। इसलिए भगवान का दिल उखड़ गया है, अब अल्लाह से चक्कर चला रही है। अब ना बेटा होगा ना बेटी। आओ बेटी तुम मेरे साथ आओ। नहीं नहीं अरे बता दो बेटा, बैठो ना। हाँ
मेरा शौहर, हो मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरे झुकाए। मेरा शौहर बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरे झुकाए। कुछ कहना तो चाहे मगर बोल नहीं पाए, जुबा खोल नहीं पाए। मेरा शौहर मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। मुसीबत ये गले पड़ी बैठे बिठाए, अब तो अल्लाह बचाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। बात एक रात की है, थक के मैं जब सोया था, मीठे मीठे से किसी ख्वाब में मैं खोया था। हुई दस्तक तो मैं समझा कोई मेहमान आया, क्या खबर थी कि मेरी मौत का सामान आया। खोला दरवाजा तो सूरत की ये भोली भाली, खाली घर देख के बन बैठी मेरी घरवाली। किस्मत ने कैसे मुझे दिन ये दिखाए, मुझे कोई तो बचाए। हाय बीवी, मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। मेरा शौहर बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरे झुकाए। एक्टिंग ठीक थी ना? चूल्हे भाड़ में गई तुम्हारी एक्टिंग, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बात बढ़ती चली जा रही है और मेरी मुश्किलें भी साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना ही दलदल में धंसा जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहती,
ये तो सब किस्मत का खेल है। किसकी किस्मत का, मेरी या तुम्हारी? शायद दोनों की, लेकिन एक दिन तो मुझे चले ही जाना है। तुम्हारे चले जाने से भी तो मेरी मुश्किल दूर नहीं होती। किस किस को समझाता फिरूंगा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी का एक हादसा हो। मैं आपकी जिंदगी का हादसा जरूर बन गई हूं, बदनसीबी कभी नहीं बनूंगी। तवायफ हूं, एहसान फरामोश नहीं। आज चटाई पर मैं सो जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता। आप जो भी हो, इस घर की मेहमान है। दाऊद भाई, सुबह का पेपर, दाऊद भाई, ओ दाऊद भाई, ओ नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, ये चद्दर क्यों तान ली? पांड्या भाई, दरअसल हमने सोचा कि चद्दर के इधर बेडरूम और चदर के उधर ड्राइंग रूम, खोली को एक बेडरूम हॉल का फ्लैट बना लिया। बहुत अच्छा जोक मारती हैं आप भी, इसी बात पे एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हो जाए। अरे पार्टनर, आइए पांड्या जी आइए। इधर से गुजर रहा था तो ख्याल है क्यों नहीं पार्टनर से मिलता हुआ चलो। दाऊद भाई, अपना वो पार्टनरशिप वाला बात भूला तो नहीं ना? नहीं, ड्यूटी पे। अच्छा, उस दिन अब तुमको बोला था ना रहीम दादा वाला बात, उसी बात पे एक आइडिया फिट हो गया। उस रात एक छोकरी था उसके साथ, ओ वो छोकरी जादू का टोपी पहन लिया और गायब। ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर छोकरी मिल जाए ना तो दाऊद भाई का दिन फिर जाएगा। और दाऊद भाई एक बात याद रखो, अपन इस स्टोरी का 5.25 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। अरे दाऊद, पांड्या, सलीम, जावेद, कल्याण जी, आनंद जी, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दफ्तर जाना है। फिर कभी बैठेंगे फुर्सत में, कहानी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, तो हम भी चलता है। दाऊद साहब, लालाजी तक पहुँचा दो। मैंने कानात मिर्जा के नॉवल पर आपका नोट पढ़ा, आपने इतनी तारीफ की है कि अब तो नॉवल को छापना ही पड़ेगा। सच? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? आपको पता नहीं सुलेमान साहब कि नॉवल छापकर आप कायनात की कितनी मुश्किलें दूर कर देंगे। अरे भाई, मुश्किलें तो दूर करने के लिए होती हैं, दूर कर दी जाएंगी। आप ऐसा करिए सर, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से कह दें कि वो नॉवल की किताबत शुरू कर दें। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर। और ये लीजिएगा प्रिंट ऑर्डर। अरे भाई अहमद, वो गुलशन नंदा का नॉवल आ गया क्या? अभी जाकर उसे खबर सुनाता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर कायनात पागल हो जाएगी, दाऊद मियां पागल हो जाएगी। आदाब। कौन है बेटी? अम्मी, सुलेमान साहब हैं, किताब घर के जनरल मैनेजर। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। जी शुक्रिया। इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता चलूं। किताब घर ने आपके नॉवल को छापने का फैसला कर लिया है। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और किताब घर की तरफ से ये हकीर सा नजराना भी कबूल फरमाइए, लीजिए ना बतौर एडवांस। 3,000 रुपए? इतना बड़ा एडवांस? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। बेटे, ये समझो कि सूखे धानों को पानी मिल गया। बैठो ना, मैं अभी चाय ले आती हूँ। खुश? आदाब। लाहौल विलकुवत, आप जरा तमीज से बैठा करें, यहाँ बाहर चाल के लोग। क्या मुसीबत है, क्या जरूरत का? किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ये कायनात मिर्जा कौन है? क्या है? एक नई राइटर। वही लड़की? बहुत खूबसूरत है क्या? है तो सही, मुझसे भी ज्यादा।
घर के चिराग और महफिल की शमा का मुकाबला नहीं किया करते। चलिए हम महफिल की शमा ही सही, मगर जलते तो चिरागे की तरह है। आप कायनात से मोहब्बत करते हैं? मालूम नहीं, शायद करता हूं। वो भी करती है? ये भी मालूम नहीं, शायद करती है। ये शायद वाला इश्क ठीक नहीं है। इश्क किया है तो उसका इजहार भी कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पहल कर जाए और आप दिल थाम कर रह जाए। ये है आपके नॉवल बंद दरवाजा का फ्रंट कवर। ये तो बहुत खूबसूरत है, है ना? इसके बैक कवर के लिए आपका एक शानदार खूबसूरत कलर फोटोग्राफ चाहिए। मेरा फोटोग्राफ? जी, जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। अरे भाई दाऊद। जी सर। अच्छा वो तुम मिल गए, बेगम ने तो नाक में दम कर रखा है और बेटियां तो हर वक्त क्या नाम है सुल्ताना का नाम रखती रहती हैं। एक दिन आओ मेरे यहाँ। अरे हाँ, ये ना तो कहो भाई। सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा, जिनकी किताब हम छाप रहे हैं बंद दरवाजा, और ये है निगम सेठ, इस किताब घर के मालिक निगम साहब। आदाब। आदाब रजा, बड़ी खुशी आपसे मिलके। शुक्रिया। सुलेमान साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। उनकी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, फिर कल रात का खाना हमारे यहाँ। और सुनो, अकेले नहीं, उसे भी साथ ले आना। क्या बात है, बड़ी दावतें हो रही हैं आजकल, ये किसको साथ ले जा रहे हो? ऐसे ही निगम साहब, ऐसे ही। ऐसी बात है तो हमें साथ ले चलिए। हाँ तो तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप इतना घबरा क्यों गए? मैं घबरा रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं क्यों घबराऊँ, मैं तो अब सूरत ही ऐसी। तो आपने याद फरमाया? हाँ लाला, बैठ जा। यार तुमसे एक सलाह लेनी थी। फरमाइए। हम चाहते हैं कि दाऊद की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। सुलेमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। लड़का तो बहुत अच्छा है, लायक है, एमए पास है, तरक्की तो होनी चाहिए। तो फिर उसकी तनख्वाह 300 रुपए बढ़ा दो। जो हुक्म, मैं भी जाकर उसे खुशखबरी देता हूँ। और सुनो यार लाला, लाला तुम उसकी बीवी से मिले क्या? क्या उसकी शादी हो चुकी है? मुझे भी कहाँ पता था, लेकिन क्या लड़की है, हर तरह से कमाल है, यानी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फैंटास्टिक। उसी को देखकर मुझे ख्याल आया कि दाऊद की तनख्वाह जरा कम है, जाओ उसे खुशखबरी सुना दो। जी अच्छा। हेलो उस्मान जी, इधर आओ, इधर आओ। फातिमा, राधा श्याम, तुम भी इधर आओ। दाऊद, सब लोग इधर आओ भाई। दाऊद को मुबारकबाद दो। लाला जी, किस बात की? अरे ये जनाब तो बड़े चंट निकले हैं, हाइट ऑफ डिसऑनेस्टी है कि जनाब ने शादी कर ली और कानो कान तक खबर नहीं होने दी। न डिनर नेट होम भाई, हमें तो दावत वलीमा चाहिए। अगर मैं सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे होश अभी तक काबू में नहीं है। हमें तो पार्टी चाहिए, हमें तो पार्टी चाहिए, हमें तो पार्टी चाहिए, बगैर छुटकारा नहीं है। भाई ठहरो ठहरो ठहरो, एक खुशखबरी और है। वो क्या? निगम साहब ने इनकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार बढ़ा दी। भाई 300 रुपए महीने की तरक्की हुई है, दुल्हन के कदम कितने मुबारक है। अब तो पार्टी होगी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? हुआ मेरा सर, ये दाऊद साहब को इतने जूते पड़ेंगे कि उनके होश ठिकाने लग जाएंगे। हाँ क्या किया तुमने? अरे किया, मैंने नहीं किया, तुमने तुम पानी का। अरे सारे दफ्तर वालों को हमारी शादी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया, मालूम है? और फिर क्या हुआ? हुआ ये कि वो शादी की दावत मांग रहे और खाना खाने के लिए आना चाहते। अरे पानी पीने तो डाला, बात करो बीच में। तो ये बात है, तुमने तो मुझे डराई दिया था। आना चाहते हैं तो आने दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि निकम सेठ और उनके घर वालों को भी बुला लो, ताकि एक साथ ही सबका हिसाब चुका। हाँ, 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 हाँ। तुम तो सारे शहर को ही बुला लो, मेरी बात मानो तो, अपने वो रहीम दादा को भी बुला लो, ताकि एक झटके में फैसला हो जाए। हाँ? बात करती है। अरे इतनी बड़ी फौज को यहाँ बैठाएंगे कैसे, और इतने लोगों को खाना खिलाने में मालूम है कितना पैसा खर्च होगा। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? खुद से जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, कहती रहती है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा, आप दावत दे दीजिएगा। दावत मियां जी। राधा जी। अरे भाई कब ला रहे हो खाने पर? मेरा ख्याल है सनीचर की रात ही ठीक रहेगी। वैसे मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी बेगम से मिलने का इश्तियाक है। निगम साहब क्या तारीफ कर रहे थे। हाँ एक मिनट इधर आओ जी।
ये रुपए उन्होंने तुम्हारे लिए एडवांस के तौर पे भेजे हैं। ये गलत कमरे में कैसे आ गया? था तो आ जाइए जनाब, ये आप ही का कमरा है। अरे ये सब कैसे किया तुमने? अल्लाह दीन का चिराग, मैंने सोचा वो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग मुझे तुम्हारी बीवी समझते हैं, खातिर तवाजा नहीं की तो कहेंगे दाऊद की किस्मत फूट गई, ऐसी फोहड़ बीवी मिली है कि घर में पानी पीने तक का इंतजाम भी नहीं है। अरे मगर इतने रुपए कहां से आए? एक तो वो मुंह दिखाए के रुपए थे और दूसरी वो हीरे की नथ थी, आपके घर में तो उतरी नहीं, बेच दी। और अगर वो रहीम ने पूछा कि नथ कहां गई तो? उसके बाप की थी जो पूछेगा, अगर हरामजादे को उतरवानी होगी तो नहीं बनवा देगा। सुल्ताना तुमने ठीक नहीं किया, कम से कम उससे पूछ तो लिया होता। कितने ही काम आपसे पूछे बगैर कर लिए, आपसे पूछे बगैर इस घर में आ गई, आपसे पूछे बगैर सपना देख रही हूं कि मैं वाकई आपकी बीवी हूं। ये मत समझिए कि तवायफ प्यार नहीं कर सकती, तवायफ प्यार कर सकती है मगर ना उसका इजहार कर सकती है ना यकीन दिला सकती है। मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? मैं कुछ मत कहिए, चुपचाप सुनते जाइए। ये लो, मैं तो भूली गई, ये तस्वीर लगानी थी, ये अल्लाह मारी दीवार भी बाबा आदम की है। चोट लग जाएगी, क्या करती है? ये क्या है? कुछ नहीं, साड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, दफ्तर में 300 रुपए की तरक्की हुई तो मैंने समझा कि तरक्की तो तुम्हारी वजह से हुई तो तुम्हारे लिए तो कुछ। अच्छा, एहसान की कीमत अदा कर रहे हो। अरे जालिम, झूठ से ही कह देते प्यार का तोहफा लाए हो, हम तो जान दे देते इस बात पर। खैर, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए और ये सबसे कीमती तोहफा, लो अपने हाथों से पहना दो। तुमसे नहीं तो तुम्हारी साड़ी से ही लिपट जाऊंगी। देखिए सुल्ताना जी, मेहरबानी करके सही तरीके और सलीके से पेश आइएगा, हाँ दफ्तर का मामला कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वक्त क्या हुआ? आए भी नहीं अभी तक इन लोग, कहाँ क्या हुआ होगा? अरे आगे 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 आगे, सही तरीके से हम आगे भाई हम। अरे अरे, हाय हफीज मियां, आदाब 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 अर्ज, आदाब अर्ज। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे, घर जाए। वाह वाह, आदाब अर्ज, आदाब आदाब। लीजिए भाभी साहब, बहुत अच्छा बना, कालीन भी है, कालीन से। अरे दाऊद मियां, दाऊद साहब, अरे बेटे मेरे दिए होंगे। हाँ बेटे, हमेशा पहने रखना इसे। अरे वाह, एक कमरे का बड़ा अच्छा फ्लैट बना रखा। जी सर, आइए ना घर। हाफिज मियां, तुम्हारे पास बैठो, तुम्हें सर्दी कर दो नहीं ना। आइए लाला जी, वेलकम। आदाब, जीत रहो, ये लो बेटा। आप लोगों ने इस दावत को तो व्यापार में बदल दिया है। बिल्कुल, खाली हाथ भी तो नहीं आया जाता। सर पे हाथ रखते थे वही काफी था। भगवान तुम्हें खुश रखे। देखा लाला, इसे कहते हैं तहजीब, जो सिर्फ खानदानी लोगों में ही पाई जाती है। आइए बाई अम्मा, आइए, ये हम सब की बाई अम्मा। आदाब आदाब। सलाम अलैकुम। और ये निगम साहब, आपके बेटे के सेठ। लीजिए लीजिए। शुक्रिया, आप भी लीजिए। बाई अम्मा, लाला जी, लाला जी, लाला फकीर चंद जी। आदाब आदाब। आ जाइए, खाना भी लग गया है जी। आइए उठिए लाला। उठिए, क्या बताओ? रू अफजा भाई, ये जुकाम के लिए अच्छा नहीं, आप तो बनफ्शा पीजिए। तो बेटा तुम ये ले लो, ये एक्चुअली खाना लग गया। आइए निकम साहब, आइए। बशीर माल आ गया, लाओ ये इधर। आइए। अरे बाप रे, कितनी सारी चीजें बना डाली हैं। ये सारे चाय की तरफ से आपके लिए दावत है, सभी कुछ ना कुछ बना के लाए हैं। अरे वाह, सुना दादा, देखी बहू क्या दिल अजीजी। यही सोचिए, करता हूँ करता हूँ। ये चावल है ना, चावल में मांस है ना।
आप मटर पुलाव। नैना की माँ, तुम दुबली होते जा रहे हो, ज्यादा खाओ। अरे यही चावल खा लेंगे, इससे कुछ नहीं होता, बात हटा देंगे। बस बस बस। लाला जी, सिगरेट नोश फरमाइएगा। सिगरेट? सिगरेट पी लेंगे। ये लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अरे आपने इन्हें आइसक्रीम दे दी, कमाल कर दिया, जुकाम है इन्हें। चुप रहो। सेठ जी, खाना तो बहुत अच्छा हो गया, पेट भर गया, अब इसको हजम करने के लिए गाना होना चाहिए। खाना? अब भी तो खाना खाए, और कितना खाना खाओगे? खाना नहीं, गाना। ओ गाना। अरे हाँ, सुल्तान तो गाती है, गाना सुना दो। ये लो कीमा पाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? खुदा का शुक्र है रहीम चुपचाप चला गया, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अब क्या किया जाए? लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। हालात की सितम जरीफी देखिए, लोग तुम्हें मेरी बीवी समझते हैं ना, मैं तुम्हें जाने के लिए कह सकता हूं ना रुकने के लिए। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझती हूं, तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, अब तुम जाओ ऑफिस। सुनो पान, अरे जरा मुस्कुरा के तो जाओ,
नहीं सुल्ताना नहीं, तू अभी उधर नहीं रह सकती, तेरे को इधर आना ही पड़ेगा। तुम क्या लाट साहब हो कि जब चाहो छोड़ा और जब चाहो बुला लो? दाऊ तुम्हारा नौकर है क्या? ज्यादा होशियारी नहीं मांगता समझा? मेरा नाम रहीम शेख है, बकवास बंद। ये जो थोबड़ा है ना सो जा डालूंगा, याद रखना नहीं आएगी, इसके बाप का राज है। चल बे गिलास बना। सुनो रहीम शेख, दाऊद एक शरीफ आदमी है, हमारे बुरे वक्त में काम आया था, मेरा एकदम यहाँ आना अच्छा लगेगा क्या? लोग पूछेंगे कि बीवी कहाँ चली गई, तो वो बेचारा क्या जवाब देगा? हाँ इधर तेरा किधर, उसके साथ कोई चक्कर तो फिट नहीं हो गया है? हाथ मत लगाना, दाऊद की बीवी हूँ। तू तो ऐसा बोल रही है जैसे तू सचमुच दाऊद की बीवी है। अरे चल, सचमुच की बीवी ना सही, लेकिन दुनिया के सामने दाऊद की बीवी जरूर हूं। मैं वापस जाकर उनका घर गंदा नहीं कर सकती। रहीम शेख, दाऊद ने तुम्हारी सुल्ताना को हाथ नहीं लगाया, तुम भी उसकी इज्जत को हाथ मत लगाना। उसकी इज्जत गई तेल लेने, मेरे धंधे का क्या होगा? तो क्या उसके एहसान का बदला उसे बर्बाद करके चुकाओगे? उसका एहसान उतारने के लिए मैं सारी जिंदगी तेरे को उसकी बीवी बनने के वास्ते नहीं छोड़ सकता, समझी? ये मैं कब कहती हूँ? क्या बोली तू? मैं तो ये कह रही थी कि अगर मैं एकदम आ गई तो चाल में हर किस्म की आंखें उठेंगी, हर किस्म के सवाल उठेंगे, और जिससे वो बेचारा बदनाम हो जाएगा। रहीम शेख, एक तवायफ से बीवी बनी, आखिर एक बीवी से तवायफ बनने के लिए कुछ तो मोहलत दोगे? क्या मतलब, क्या है तेरा मतलब? ये कि दो चार दिन में कोई बहाना बनाकर खुद ही आ जाऊंगी कि उस पर कोई आंच ना आए, और बगैर किसी हंगामे के तुम्हारी सुल्ताना तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो ठीक है, मान लेता हूं, मगर एक बात याद रखना, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मेरा नाम रहीम शेख है। अच्छा चलती हूँ। अरे सुन, एक बात तो है, ये बुरके में तू बहुत माल दिख रही है। इस बुरके को भी हाथ मत लगाना, इसमें दाऊद की आबरू छुपा कर लाई हूँ मैं। अरे चले आबरू आई। और सुन, जब तक मैं यहाँ खुद नहीं आती मुझे बुलाने मत आना, मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। अच्छा सुन, वो दाऊद है ना, उसको बोला रहीम शेख ने उसको सलाम बोले ला। अरे वाह, ऐसा करके गई तो साला आदमी इज्जत वाला मालूम पड़ता है। अरे बहन क्या बताऊं, आजकल तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दो, अम्मा जाएगी, क्या करते हो? अम्मा गई है अमीना बाई के साथ भिंडी बाजार। आओ भाभी। चाची कहाँ है? बाजार गई है। आओ मेरे साथ। अरे भाई नई किताब है, डिस्प्ले तो कर दो फिर देखा जाएगा। जी सर, कोशिश तो करेंगे लाला जी। अरे भाई दाऊद, ऐसी ताक के दावत की कि हमारा पत्ता ही साफ? ऐसी बात नहीं है सर, आप तो दिल्ली गए हुए थे और हुआ ये कि लाला जी ने दावत मेरे सर पे थोपी तो मैं करता क्या? भाई सब तुम्हारी बीवी की बहुत तारीफ करते हैं, कभी हमें भी उनसे मिलवा दीजिए ना। जी हाँ सर, आप जब कहिए हुक्म दीजिए। हफीज मियां जी, इन नई किताबों को शेल्फ पर लगा दीजिए। और हाँ, कायनात का नॉवल बंद दरवाजा छप कर आ गया है। वाकई? ये देखिए। बस ड्राइवर साहब यही रुक दो। चलो मोड़ लो वापस। आइए आइए, तशरीफ रखिए ना। आज मैं तशरीफ रखने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आया हूँ। क्या? किताब घर की तरफ से आपके नॉवल बंद दरवाजा की पहली जिल्द आपकी खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल करना चाहता। मेरी किताब छप गई, बंद दरवाजा छप गई, ये सचमुच मेरी किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, मुझे माफ करना। मैं अम्मी, क्या हुआ? अरे
सुलेमान मियां, ये रो क्यों रही है? खुशी के आंसू है अम्मी, इनका नॉवल छप गया। सच? जी। अम्मी। अरे तुम गई नहीं? गई थी मगर लौट आई। क्यों? मेरे आने से तुम्हें तकलीफ हुई थी, चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। दो चार रोज में खुद ही कोई बहाना बनाकर मैं चली जाऊंगी कि तुम पर कोई आंच ना आए। बंद दरवाजा, कायनाथ मिर्जा, बहुत खूबसूरत है। प्यार के साथ कायनात के लिए सोचता हूं खुदा की कायनात ज्यादा खूबसूरत है या मेरी। खूब, उन्हें दे क्यों नहीं? जरा देर हो गई, सुलेमान साहब ने पहले ही दे दी। होशियार रहिएगा, कहीं सुलेमान साहब बाकी कामों में भी पहल ना कर जाएं। अगर वो कर भी लेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? उनके जीत जाने का डर है। सुलेमान साहब मुझसे कभी जीत तो नहीं सकते। हाँ, मैं उनसे हार जरूर सकता हूं। मैंने सुलेमान साहब और निगम साहब का शुक्रिया अदा करने के अलावा एक लफ्ज भी और बोला तो मैं रो पड़ूंगी, और खुशी में रोने का यह मेरा पहला तजुर्बा होगा। कायनात, जलसा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? अरे भाई, शुक्रिया अदा करना है तो दाऊद मियां का करो, क्योंकि जो कुछ हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ। अरे भाई सुलेमान मियां, जरा यहाँ ना। मैं भी हाजिर होता। शुक्रिया अदा करूं? कीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुलेमान भाई, पार्टी भी शानदार और लड़की भी शानदार। अरे भाई सुलेमान भाई, कायनात मिर्जा के साथ हमारा भी एक फोटो खिंचवा दो। जरूर जरूर। मेरी किताब के दूसरे एडिशन की पहली कॉपी, आपकी नजर। दाऊद के लिए, जिनके बगैर मेरी दास्तान अधूरी रह जाती। प्यार के साथ तुम्हारी कायनात। शुक्रिया, आपकी किताब का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपके आदाब का भी शुक्रिया। इससे पहले कि आदाब खुदा हाफिज में बदल जाए, चलिए हम लोग यहां से चलते हैं। चलिए। आपने हमारे घर ना आने की कसम खा रखी है, आज मैं आपको अगवा करके ले जाऊंगी। ले चलिए ना। अरे भाई दाऊद मियां। सर, आप जा रही हैं क्या? सर, मैंने छोड़ के आता हूँ। मेरी गाड़ी में छोड़ दो ना, ड्राइवर भी नीचे। ठीक बात है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ना कहिए, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वो मैंने सुन लिया है। सुनिए, सब खबर हो जाते हैं।
शकुर मियां ये हंगामा कैसा? अरे खत्म हो गया दाऊद, नादरा भाग गई। हाँ लगता है डांस मास्टर के साथ भाग गई। सारे कयामत है, कयामत है भाई कयामत। बाप नमाजी और बेटी ने ये रंग दिखाए हैं। छी 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 छी। जेबा भाई मकान उमरुद्दीन साहब की खोली में बैठे हुए हैं। डाटा में खड़ो चाचा भाई मामा। जानता है दाऊद, नादरा भाग गई। हाँ, शाम से उसकी कोई खबर नहीं। हम तो बर्बाद हो गए बेटे। डांस सिखाना इतना महंगा पड़ेगा, मालूम नहीं था। सुल्ताना कहाँ? उसे भी बहुत देर से नहीं देखा। कहीं सुल्ताना ने अपनी जात तो नहीं दिखा दी? हो सकता है नादरा को वही भगा के ले गई हो। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, निकाह पढ़ाने के लिए कोई काजी चाहिए कि नहीं? अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। भाभी, तवायफ बनने का इतना ही शौक था तो तवायफ के घर में पैदा हुई होती। ठीक है कब्बन मियाँ, ये लो 5,000 रुपए, बाकी लड़की देखने के बाद। छोकरी कहाँ? चलो मेरे साथ। चलो। अरे दरवाजा खुला है। छोकरी कहाँ? बोलो। नादिरा आ गई, नादिरा आ गई, नादिरा आ गई, नादिरा आ गई, हरामजादी, बेहया बेगैरत, आबरू नीलाम करके आ गई, जलंधर मुंह काला करके आ गई आपकी औलाद। जनाजा उठे कमबख्त, तेरे चेहरे पर सात नजर की छोड़ रहे। ये क्या कर रही हो? अरे मत मारो, मार ही डालोगी क्या? हटो तू, आओ इधर। नादिरा, तुमने खाला को बताया नहीं था कि तुम मेरे साथ जा रही हो? हाँ तुमने बताया नहीं था? अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ खाला जान, लेकिन आज मेरे गरीब नवाज का आखिरी दिन था। इसके दूल्हा भाई देर से आने वाले थे, इसलिए मैं इसको साथ ले गई। लो सुन लो। अरे ये क्या बेवकूफी है? हा? आओ मेरे साथ। अरे तुमसे खुदा ही समझे खैरन, मार मार के लड़की का बेहाल कर दिया। अब रोने से क्या फायदा नादिरा, तुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसे चाहने वाले भरोसा करने वाले माँ बाप के साथ तुमने ये सलूक किया? वो लोग दुनिया को क्या मुंह दिखाते, क्या कहते कि उनकी लाडली बेटी किसी के साथ भाग गई? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। जरा सोचो, अगर मैं तुमको उस डांस मास्टर के साथ जाता देखकर न लपकी होती तो पता है तुम्हारा हशर क्या हुआ होता? अब तक तुम 3 बार नीलाम हो चुकी होती और किसी मैडम के गाहक के साथ एक ऐसे छोटे से कमरे में बंद होती जिसकी बिस्तर की चादर में से दूसरे गाहकों के गुनाह की बदबू आ रही होती, और फिर तुम उस बदबू का हिस्सा बन जाती। ना हंजार बचलन लड़की, मेरी इज्जत को चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, सारे मोहल्ले को सर उठा लेंगे आप। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नादरा खैरियत से वापस आ गई। मेरी मानो तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर नादरा का निकाह पढ़वा दो। हाँ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं और नादरा को सबक भी मिल गया है। तुम मुझे माफ कर दो। किस बात पर? इस बात पर कि मैंने तुम्हारे बारे में इस बीच ना जाने क्या क्या सोच लिया। हम कहां ऐसे के सोचे कोई, तुमने सोचा तो ये एहसान हुआ। अरे सुनिए, मैं तो भूल ही गया था, ये आपके रॉयल्टी का 5,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपके एहसानों का बदला चुकाना मेरे बस की तो बात नहीं है। मेरे बस की बात तो है, खुद ही मांग लेंगे जब चाहें।
ज्यादा वर्ष है। अरे हनीफ भाई आप देख लीजिए, अभी ढूंढ लेते हैं। इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? सुलेमान साहब ने बुलाया था, वो एग्रीमेंट साइन करवानी थी ना, और ये 5,000 का रॉयल्टी का चेक भी दिया है। बड़े मेहरबान हो रहे हैं सुलेमान साहब आप पे। सब तुम्हारी वजह से है, तुम मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए हो। इतनी ज्यादा तारीफ अच्छी नहीं होती, आदमी बिगड़ जाता है। ये लीजिए आपका चेक। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। सुलेमान साहब ने आपको याद किया है। दाऊद साहब मुझे आपसे एक काम है। फरमाइए भाई। वो कायनात का नोवेल बंद दरवाजा आप ही लाए थे ना मेरे पास? जी। अब इस बंद दरवाजे को मेरे लिए आपको खोलना भी पड़ेगा। जी मैं समझा नहीं। दरअसल बात यह है दाऊद साहब, मुझे कायनात से मोहब्बत हो गई है। अब अगर हम खुद अपना पैगाम उन तक ले जाएं, तो कहीं वो ये ना समझ ले कि हम अपनी मेहरबानियों का मुआवजा मांग रहे हैं। ये जिम्मेदारी अगर आप कबूल कर लें तो हम आपके एहसान मंद रहेंगे। अब हमारी मोहब्बत आप ही के हाथ में दाऊद साहब, आप चाहें तो वो परवान चढ़ सकती है। I'm
जिंदगी के साए। समझो कौन? हाउ कायनात? क्या हुआ, कोई नाराजगी है क्या? हमारी किस्मत ही हमसे नाराज हो गई है। अल्लाह ना करे। कायनात, हमारी मोहब्बत की मौत होने वाली है। क्यों? सुनो कायनात, किताब घर के जनरल मैनेजर सुलेमान साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, और उनका पैगाम तुम्हारी वालिदा तक पहुंचाने का काम मुझे सौंपा गया है। मैंने किताब घर के हाथों अपना नॉवल बेचा है, अपनी मोहब्बत और जिंदगी नहीं। तुम समझती नहीं हो कायनात, सुलेमान साहब मेरे बॉस हैं, अफसर हैं मेरे, उन्हीं की वजह से तुम्हारा नॉवल छपा। अब मेरी नौकरी और तुम्हारी अब भी जिंदगी उन्हीं के हाथों में है। हम तुम दोनों दाव पे लगे हुए हैं। दाव पर क्या लगा है वो देख लेंगे, मगर आप उनसे कह दीजिए कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। अगर वो पूछे क्यों, तो कह दीजिए मैं किसी और को पसंद करती हूं। पूछे किसको, तो अपना नाम कह दीजिए। मोहब्बत ही सिर्फ जिंदगी नहीं है कायनात, चाहने और पाने के बीच का फासला भी जिंदगी है। मोहब्बत मैं भी करता हूं, लेकिन जिंदगी की सच्चाई को भुलाया नहीं जा सकता। घर का किराया, बिजली का बिल, राशन कार्ड, बस का टिकट, ये भी जिंदगी है। बस का टिकट, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन कार्ड, ये सभी कुछ तो है, मगर मैं बिजली के बिल और राशन कार्ड से शादी करना नहीं चाहती। और अगर शौहर और जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है, तो ना मुझे शौहर चाहिए ना जिंदगी। ठीक ही तो कहता है दाऊद, खाली खाली मोहब्बत से जिंदगी थोड़ी कटेगी। सुलेमान के पास अल्लाह के करम से अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, नई कार है, बड़ी तनख्वाह है, और क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी, मैंने कहा ना, मुझे घर, गाड़ी और तनख्वाह से शादी नहीं करनी है, आदमी से शादी करनी है। और दाऊद मेरी जिंदगी में पहला और आखिरी आदमी है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। अरे भाई, किसकी शादी का जिक्र चल रहा है? इसकी और किसकी, न जाने दिमाग में क्या समाई है, कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ दाऊद से ही करूंगी। दाऊद आदमी तो अच्छा है, मगर क्या वो दूसरी शादी करेगा? दूसरी शादी क्या? कम से कम उनकी एक बीवी के बारे में तो हम जानते ही हैं। आप झूठ कह रहे हैं। कायनात, ना तो मुझे झूठ बोलने का शौक है और ना ही आदत। चाहो तो दफ्तर वालों से पूछ लो, निगम सेठ से पूछ लो, और फिर भी अगर यकीन ना आए तो खुद दाऊद मियां से ही पूछ लो ना। आप कायनात मिर्जा है ना? आइए। तो आप हैं बेगम दाऊद? ये न थी हमारी किस्मत, मैं तो सिर्फ सुल्ताना हूं। मुझे आपके नाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे भी नहीं? जी नहीं। तो फिर कैसे जहमत की? मैं तो दाऊद से सिर्फ ये कहने आई थी कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बदनसीब लम्हा था जब मैं उससे मिली थी। और मैं तो सिर्फ इतना अर्ज कर सकती हूं कि आप जो कुछ भी देख रही हैं उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। क्या ये समझ लेना काफी नहीं कि जिस शख्स से मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया है? प्यार करना सीखा है तो एतबार करना भी सीखिए। आंखें जो देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता कायनात भी। खुदा की कसम मैं उनकी बीवी नहीं हूं। हम जैसियां किसी की बीवी बनने के लिए पैदा ही नहीं होती, और मैं तो उनकी रखेल भी नहीं हूं। ये समझ लीजिए कि मैं एक फोहश गंदी किताब हूं
जिसे दाऊद मियां ने कुरान समझकर जुस्तान में रख लिया। आप यकीन कीजिए कायनात भी, मैंने इंसान बहुत देखे हैं मगर फरिश्ता एक ही देखा, दाऊद, जो जीती हुई बाजी हार कर भी मुस्कुराते रहते हैं। उनके वजूद ने इस छोटे से घर को मस्जिद की तरह पाक बना दिया है, जिसके मुकद्दस माहौल ने एक तवायफ को औरत बना दिया। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूं, मैं एक तवायफ हूं। आपने अपने नॉवल बंद दरवाजा में जिसका तस्वीर किया, मैं उसी की हकीकत हूं। यहां इस वक्त? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? बस यूं ही जी चाहा तुम्हें सजदा करती चलूं। सजदा? हाँ, सुल्ताना से मिलकर आ रही हूं। ताना से? आदाब। कायनात तो घर में नहीं है। मुझे मालूम है, मैं आप ही से मिलने आई थी बेगम साहिबा। मुझसे? अंदर आ जाओ, तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। दरअसल मैं कायनात बी के लिए दाऊद साहब का रिश्ता लेकर आई हूँ। हेलो, मैं क्यों भेजू अपनी बेटी को साथ के घर? बड़ी रिश्ता लेकर आई है, तुम कौन हो उसकी? कोई नहीं। फिर रिश्ता लेकर कैसे आ गई? क्या उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी? दाऊद साहब की शादी कहाँ हुई है बेगम साहिबा? फिर वो कौन है जो उसके साथ रहती है? वो मैं ही हूँ। किताब घर और अमीना बाई की चाल वाले मुझे उनकी बीवी समझते हैं, मगर मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? मैं तो सिर्फ उनके हालात की सितम जरीफी हूँ बेगम साहिबा, एक हादसा हूँ, उन्हें न दी जाने वाली एक गाली हूं, एक बद्दुआ हूं। कायनात और दाऊद की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए बेगम साहिबा, वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम जो वहां हो। मैं आपसे वादा करती हूं बेगम साहिबा कि 24 घंटों के अंदर अंदर मैं दोनों की जिंदगियों में से निकल जाऊंगी। मेरी इस झोली में कायनात डाल दीजिए बेगम साहिबा। कहां गई थी? कहीं नहीं। कायनात मिली थी? उनसे मिलने की आरजू थी, आज वो भी पूरी हो गई। दाऊद, वाकई तुम्हारी कायनात खुदा की कायनात से ज्यादा खूबसूरत है। कायनात भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा ये बताओ दाऊद, अगर मैं चली गई तो तुम्हें याद आऊंगी? तुम भूलने की चीज नहीं हो सुल्ताना। तुम मेरी बुरी या भली जिंदगी का एक हिस्सा हो। तुमसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना कि हर पत्थर में एक मूर्ति होती है। तवायफ होना कोई गाली नहीं है, एक मजबूरी है। एक तवायफ होने के बावजूद तुम में जो औरत है वो पाकीजा है, खुदा के नाम की तरह। बस दाऊद, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी।
आइए, नाश्ता लगा दिया है। अरे आज इतना ढेर सारा खाना क्यों पकड़ा ना? कल रात को आपने इतनी तारीफ की थी, सोचा कि मैं भी थोड़ा सा मस्का लगा दूं। मेरी आदतें मत बिगाड़ो, तुम चली जाओगे तो फिर क्या होगा? कायनात तो इससे भी अच्छे खाने खिलाएगी आपको। जब तक जाने का वक्त हो गया, तुम ही तो खाओ। बाद में खा लूंगी। अच्छा चलता हूं। शुक्रिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपका दिल छूकर देख चुकी हूं, अब जीने जहां की पाँव छूकर भी देख लो। क्यों रही हैं? कुछ नहीं। चलता हूं मैं। आप कहां जा रही हैं? बस तक छोड़ने। ये आज वो कह रहा है मेरी तो कुछ नहीं, आज आपके साथ जाने को जी चाह रहा है। कभी कभी लगता है जब तुम चली जाओगी तो अजीब सा लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, कायनात आ जाएगी तो सब भूल जाओगे, एक ख्वाब की तरह। कुछ ख्वाब नहीं भूलते हैं। अच्छा खुदा हाफिज। अलविदा। अब इस कमरे को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया। इस कमरे से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला। यहां मैं तवायफ से औरत बनी और औरत से बीवी चुना बन सकी। बीवी के लफ्ज में कितनी पाकीजगी है, कितनी खुदाई है इस नाम में। हमारे लिए तो घर गृहस्थी एक सुहाना ख्वाब ही बना रहता है। मैंने इस ख्वाब को बहुत करीब से देखा है। आज मैं इस ख्वाब को अपने साथ ले जा रही हूं। अब मैं रहीम के पास नहीं जाऊंगी, अब बाजार में भी नहीं बिकूंगी। कहाँ जा रही है बेटी? अम्मा बहुत बीमार है इसलिए एकदम जाना पड़ रहा है। दाऊद को खबर है? उनको बता देती तो वो जाने नहीं देते। ये तो है। आप बहुत याद आएंगी भाई अम्मा। बस बस बेटी रोती क्यों है, तुझे जल्दी बुला लेंगे। खैर से जा और खैर से आ। भाई अम्मा अमीना भाई टैक्सी आ गई। बेटी तुम्हारा एहसान तुम जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी, जल्दी आना।
अबू ने बताया तुम जा रहे हो भाभी। कैसी हो नादरा? तुम्हारे ईदी और सुहाग है। ले बेटी, ये रास्ते के लिए कुछ खाना और ये रुपए। इसकी क्या जरूरत थी? माँ क्या बेटी को खाली हाथ भेजेगी? बाय अम्मा। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज भाभी। चाल थी है? रहीम शेख, खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। क्या इसी वास्ते बोल रही थी कि मेरे को उधर रहने दे, उसकी इज्जत का सवाल है? रहीम शेख, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती, मुझे जाने दे। बकवास नहीं तो मुंह तोड़ डालूंगा, तेरे मालूम है कौन हूँ। चल चल। सुल्ताना भैया, उस टैक्सी के पीछे चलो। मेरे दाऊद, किसी को दुनिया छोड़ने का इतना अफसोस ना होता होगा जितना मुझे तुम्हारे घर से जाते हुए हो रहा है, पर इस पर मेरा क्या हक है? बिन बुलाए आई थी, बिन बताए जा रही हूं, मगर यहां से बहुत सी प्यारी यादें साथ लेकर जा रही हूं। यहां जो प्यार और मोहब्बत मुझे मिला है उसे मैं कभी ना भूल सकूंगी। बस अब तुम जल्दी कायना से शादी कर डालो, मेरा प्यार और मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। हो सके तो कभी कभार उस तवायफ को याद कर लेना जो इस घर से एक खूबसूरत पैगाम साथ लेकर जा रही है कि हर औरत एक कुरान है, अगर उसे पढ़ने वाला एक दाऊद हो। तुम्हारी और तुम्हारी नहीं भी सुल्ताना। रात का खाना मेज पर रख दिया है, जरूर खा लेना। रात का खाना मेज पर रख दिया है, जरूर खा लेना। आने को नहीं कहोगे? कहाँ चली गई थी? जहां पे भी गई थी अब वापस आ गई हूं, कभी ना जाने के लिए। अरे तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया गया। हाय, मैं मर जाऊं।
सुल्ताना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। कभी नहीं जाऊंगी। तुम जब यहां थी तो कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हो। अच्छा, मैं तुमसे बहुत 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 मोहब्बत करता सुल्ताना। लेकिन मैं तो हमेशा से ही तुमसे मोहब्बत करती चली आ रही हूं। भाई मां, क्या कर रहा है बेटे? अरे तूने खाना नहीं खाया? सुल्ताना अपने हाथ से बना के रख के गई थी। भूख ही नहीं है। तेरी क्या, सभी की भूख मर गई है। आज चाल भर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुल्ताना क्या गई, लगता है चाल की जिंदगी चली गई। पता नहीं उसने भी रास्ते में कुछ खाया होगा कि नहीं। रहीम शेख, औरत का जिस्म पाकर भी औरत होने का एहसास उसी चार दीवारी में ही हुआ। पहली बार जाना कि चूड़ी भरी कलाइयों का मतलब सुहाग होता है। पहली बार जाना कि सुबह घर से निकले मर्द के लौटते कदमों की आहट सुनने की कोशिश को इंतजार कहते हैं। पहली बार जाना कि बीवी कहलाने से ही औरत के जिस्म में रूप पड़ती है। बीवी तो नहीं थी मैं, लेकिन बीवी पने के भरम ने ही इस तवायफ के बेजान जिस्म में चंद धड़कने फूंक दी। औरत बन चुकी हूं, मुझे औरत ही रहने दे। साली, चार दिन वो दाऊद के साथ क्या निकाल के आई है? तेरा भेजा फिर गया है? अपने आप को सचमुच उसकी बीवी समझने लगी है? ए महमूद, जाओ वो चाली में से दाऊद की लाश उठा के लाओ और उसके पैर में डाल दो, फिर साली को पता चलेगा कि अपन क्या चीज है। नहीं रहीम, नहीं, दाऊद को कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो नाचेगी? हाँ, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी। अभी आई ना ठिकाने पे, ला ले, तैयार हो जा। खुदा वंदे करीम या रबुल आलमीन या अल्लाह परवदिगार, तुझे बीबी फातिमा की कसम, मुझे तवायफ बनने से बचा ले। गफूरुल रहीम, मुझे बचा ले। आमीन। कौन हो तुम? कायनात, तुम यहां क्यों आई? तुमको लेने आई हूं। नहीं कायनात, नहीं, तुम यहां से चली जाओ, ये लोग बहुत जालिम हैं। लिल्ला चली जाओ। नहीं सुल्ताना, तुम्हारी जगह ये नहीं, दाऊद का घर है। दाऊद का घर? सुल्ताना, उन्होंने तुमसे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं एक औरत हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं कायनात, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए तुम यहां से चली जाओ। बस दाऊद से सिर्फ इतना कह देना कि उन्होंने बहुत देर कर दी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बताती हूं क्या करो। मेरे प्यार के सदके तुम सुल्ताना को घर ले आओ। दाऊद, सच बात तो यह है कि मुझे कई और दाऊद मिल जाएंगे, लेकिन सुल्ताना, उसे कोई दूसरा दाऊद नहीं मिलेगा। नहीं कायनात, मैं तुमसे इतनी बड़ी कीमत नहीं मांग सकता।
जिंदगी जिन दामों मिले सस्ती है। दाऊद तुम जाओ और अपनी जिंदगी को वापस ले आओ। यही तो पता नहीं कायनात कि जिंदगी कौन है। अपने आप से झूठ मत बोलो दाऊद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी रहीम दादा के अड्डे पर तवाइफ बनाई जा रही है। कमाल है, जब वो तवाइफ थी तब तो तुमने उसे घर पे रखा, और अब जब वो औरत बन गई तो उसे फिर से तवाइफ बन जाने के लिए तुमने चले जाने दिया। तवाइफ? कौन तवाइफ? अरे बोलना, कौन तवाइफ? सुल्ताना। सुल्ताना तवाइफ? पाते पाते बहुत देर।
सुल्ताना, सुल्ताना। या अल्लाह, आप अगर ये ख्वाब है तो खुदा करे ये ख्वाब कायमत तक ना टूटे। ये ख्वाब नहीं है सुल्ताना, हमारे ख्वाब की नेक ताबीर है। मैं तुम्हें लेने आया सुल्ताना। सुना भाई लोग, ये पिद्दी का शोरबा क्या जोक मार रहा है? ये रहीम शेख के होते वेजर से सुल्ताना को लेके जाएगा। क्यों बे, तू इसको लेके जाएगा? हाँ। अबे अपने मोहल्ले में तो मिलिट्री घुस के नहीं आ सकती और तू साला इसको घुस के लेके जाएगा? हाँ? लेके जाएगा, तू होता कौन है इसकी हिमायती करने वाला? मैं इसका शौहर हूं। अबे और शौहर के बच्चे तवायफों के भड़वे होते हैं, उनके शौहर नहीं हुआ करते। ये तवायफ नहीं, मेरी बीवी है। बीवी है? कौन से रिश्ते से, कौन से नाते से? इंसानियत के नाते से, मोहब्बत के रिश्ते से। तो किधर है निखानामा, किधर है काजी का कागज? शादी दो रूहों का मेल होता है रहीम शेख, किसी कागज या निकाहनामे का मोहताज नहीं होता। मैंने दिल से अपनी बीवी माना है। दिल वाले ज्यादा दिल विल मत कर, वरना ये रामपुरी घुसड़ का सीने से दिल निकाल लूंगा और वहां 12 इंच का बिल बना डालूंगा। चल बना डाल, हाँ जुल्म और शराफत का इम्तिहान हो ही जाए। देखते हैं रहीम शेख, शराफत में ज्यादा ताकत है या जुल्म में। ऐसा मोहम्मद जी मालिक, जाफर सरकार, मोहम्मद हजूर, इसको जरा मौत की शक्ल दिखाना। तो नहीं दादा, दाऊद को छोड़ दो, लल्ला से छोड़ दो। बहुत हीरो बनता था ना, और मारो साले को। क्यों बे, अब भी लेके जाएगा सुल्ताना को? मैं मर जाऊंगा लेकिन सुल्ताना को लेकर ही जाऊंगा रहीम शेख। इसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दो। नहीं दाऊद, नहीं, मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर मत खेलो। एक तवायफ के मुकद्दर में कोठा ही लिखा होता है, और इस जालिम कोठे से निकलना नामुमकिन है दाऊद, नामुमकिन है, मुमकिन है। सुना बे, छोकरी बराबर बोलती है, कोठे की दहलीज पर आग होती है, उस पर पैर रखते ही लड़की की इज्जत जल जाती है और वह इज्जतदार से तवायफ बन जाती है। यह कोठे की दहलीज बनवाता कौन है, उस पर इज्जत को जलाने वाली आग सुलगाता कौन है? तुम जैसे लोग, तुम ही शरीफ घराने के बहु बेटियों को जबरदस्ती इन कोठों पर लेकर आते हो, उनके सर से इज्जत का पल्लू उतार कर पैर में जिल्लत के घुंघरू बांध देते हो। यह जहन्नम तुम्हारे बनाए हुए, आग तुम्हारी लगाई हुई है, मगर आज इस आग को बुझाने के लिए मुझे अपना खून भी बहाना पड़ता है तो मैं बहा दूंगा रहीम शेख, बहा दूंगा। नहीं रहीम दादा, नहीं। और हट। सुल्ताना, क्या रे, क्या बोला तू? तू इसके वास्ते खून बहाएगा, इसको इधर से लेके जाएगा? किधर लेके जाएगा? तेरे शरीफ लोग की दुनिया में? पहले लोग से पूछ के आया कि मैं कोठे की नाचने वाली को अपनी बीवी बना के ला रहे लूं? अबे ये तेरे शराफत के ठेकेदार, ये समाज वाले हम लोग से भी ज्यादा जालिम होते हैं। दो दिन में तेरे और इसके मुंह में थूक कर ठोकर मार के बाहर निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? देख तू कौन बाहर निकालता है। कौन है ये बुढ़िया? मैं दाऊद की माँ हूँ, सुल्ताना मेरी बहू है। बहू? रहीम शेख देखो, समाज वाले इज्जत की डोली लेकर सुल्ताना को वापस ले जाने के लिए। हाँ, हाँ, हम सब सुल्ताना को ले जाने आए हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या हंगामा है? दाऊद बेटे क्या हुआ, ये खून कैसे? अरे सुल्ताना कहाँ? वो रही। ओ, 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 क्या है, क्या है? हम सुल्ताना को लेने आए हैं। बाप का माल है क्या? उसको ले जाना तो 2 लाख रुपया चाहिए, है पास में? मियाँ हम शरीफ लोग हैं ना, बेटियाँ बेचते ना खरीदते हैं। ओ शरीफ, ये देखा है,
ये चाकू बंद करके रख लो अपने जेब में, मैं अकेला नहीं हूँ, चाल के सारे लोग आए हैं सुल्ताना को ले जाने के लिए। और जब शरीफ लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं तो आसमान भी कांप जाता है और तुम जैसे गुंडों को कब्रिस्तान की जमीन भी पनाह नहीं देती। और आप लोग हुलिया से तो शरीफ घर आने के मालूम होते हैं, लेकिन अपनी बीवियों से, अपने बहू बेटों से छुपकर इस पाप की नगरी में आते हैं मजबूर लड़कियों का सौदा करने के लिए, उनका नीलाम होता हुआ देखने के लिए। शर्म की बात है अगर इसी महफिल में रहीम शेख जैसा दादा आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू को जबरदस्ती ले आए और आपकी नजरों के सामने उसके जिस्म का सौदा करे, तो क्या करेंगे आप लोग? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तमाशाई की तरह, या हाथ में जाम लिए उसका नीलाम होता देखेंगे? हाथ में जाम नहीं होएगा सेठ, हथकड़ी होएगा, हथकड़ी होएगा। हवलदार इनको ले जाओ, अब इनका मुजरा वहां होएगा जेल में। अरे पार्टनर, आज अपना स्टोरी कंप्लीट हो गया। कितना दिन हो गया साला स्टोरी का क्लाइमेक्स ढूंढता था, आज हैप्पी एंडिंग हो गया। हैप्पी एंडिंग? ये सब खून क्या है? ये सब सैड सीन क्या? अरे ये सुल्ताना भाभी को क्या हुआ है? आंखें खोलो सुल्ताना, देखो कौन कौन तुम्हें लेने आए हैं। सुल्ताना, हम सब लोग तुम्हें घर ले जाने आए हैं। हाँ, हम सब घर ले जाने आए हैं। चलो भाभी, चलो ना घर। भाभी, भाभी, उठो बेटा, उठो। सुल्ताना, तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया, तुम्हारी इबादत कबूल हुई, तुम्हें नया जन्म मुबारक हो बेटी। मुबारक हो।